दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी के बारे में। बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी आई है जिसमें 2500 प्लस वैकेंसी जो है का पता लग चुका है, जिसमें जीएसटी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, टैक्स असिस्टेंट है। तो इन सबको मिलाकर दोस्तों टोटल वैकेंसी अभी तक कितनी रिपोर्ट हो चुकी है ये जैसे ही आपको पता लगेगा तो दोस्तों आपको अपने आप ही मोटिवेट आएगा। आप किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको दोस्तों नौकरी लेनी है वो अपने आप किताब उठाकर जो है वैकेंसी देखने के बाद जो है पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक है, टोटल इंस्पेक्टर की वैकेंसी यानी कि जो 27 प्लस की एज वाले हैं उनके लिए दोस्तों 4200 और 4600 के लिए ही इलिजिबल वो होते हैं। तो उनके लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी हो चुकी है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको SSC से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक एनालिसिस और सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सके। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों वैकेंसी के चार्ट से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपनी एक ऐप है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट की जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी एज इट इज पीडीएफ यानी कि ओरिजिनल पेपर आपको जो है मिलेंगे मात्र 149 रुपीज में। ठीक है, ये अपने कोड यूज करना है OSP24। ये दोस्तों सारा का सारा मैटर है पेड कोर्स के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको मिलेंगे सीजीएल के पिछले तीनों साल के 2021-22-23 यानी कि इतने भी सेट लगा लोगे आप 100 सेट, ठीक है, 100 दिन बचे नहीं हुए हैं, 100 सेट भी दोस्तों आप लगा लोगे तो आप दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। और CHSL के 118 यानी कि सीजीएल प्लस CHSL 218 सेट हो गए। ठीक है, 218 सेट तो ये है। फिर है दोस्तों सीपीओ के भी सेट है, ठीक है, एमटीएस के भी है, 500 प्लस सेट दे रखे हैं इसके अंदर यानी कि इतने टेस्ट दोस्तों हम लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसके अंदर जो है सारी की सारी पीडीएफ है और पीडीएफ के साथ में जैसे सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है, मैथ के पूरे सीजीएल के क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश के पूरे, ठीक है, इसलिए ऐसे जो है ईयर वाइज जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ उसके अंदर आंसर है। और जो कैंडिडेट पेपर टेस्ट सीरीज की तरह देना चाहते हैं तो सीजीएल और सीएचएसएल के भी दोस्तों 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डाल रखे हैं, यहां से आप जो है डायरेक्ट अटेम्प्ट करके जैसे आप टेस्ट होता है वो आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करना, फिर आप जो है रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, ये आपको मिलेंगे, और टेस्ट पे जाना जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आपको मैंने टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी जो है पहले बताई थी कि अभी 680 हो चुकी है 3-4 जोन में। ठीक है, ये बताई थी। और ये दोस्तों आपकी जीएसटी में है टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी जो कि 1200 वैकेंसी हो चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, यहां से आप दोस्तों टैक्स असिस्टेंट की जीएसटी की आप देख सकते हैं सभी जोन की, 16 जोन में से 15 जोन की मैंने आपको बता दी है, सिर्फ एक जोन की रहती है वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो दोस्तों ये है आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट होता है उसकी पोस्ट के बारे में। तो ये दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411 पोस्ट और टैक्स असिस्टेंट की 2259 वैकेंसी जो है अभी इंटरनल सोर्स से पता लगी है। ठीक है, ये वैकेंसी दोस्तों पता लगी है अभी, जिसमें यूआर कैटेगरी की 179, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस 48, 61 और एसटी की 58, टैक्स असिस्टेंट दोस्तों 948, यूआर कैटेगरी की 497, 211, 383 और 220। तो इतनी वैकेंसी दोस्तों ये पता लगी है अभी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है ये और इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की है। ठीक है, हालांकि अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है कि, लेकिन इंटरनल सोर्स से पता लगा कि ये वैकेंसी फाइनलाइज इन्होंने कर दी है। आरटीआई का रिप्लाई भी दोस्तों आ जाएगा, हो सकता है इसके अंदर इंक्रीज होने की ही संभावना जो है बताई जा रही है। ठीक है, 411 और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। ठीक है, आगे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में बताऊंगा कि उसका इंटरनल सोर्स क्या कहता है। तो ये दोस्तों है आपकी एक्स सर्विसमैन की है, ठीक है, ओएच की है, ये इनकम टैक्स के बारे में ही है, ये दोस्तों आपकी आईटीआई की यानी इंस्पेक्टर की, और ये आपकी टीए की। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसी जो है 53 है और ये है 313 की। ये जो 53 वैकेंसी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ये 53 वैकेंसी भी दोस्तों यहीं से डिक्रीज होंगी। ठीक है, यानी कि 411 में से ये 53 यानी कि ये कैंडिडेट क्या करेंगे, ये वाली जो वैकेंसी है वहां से जो है ये थोड़ी थोड़ी जो है यहां पर कम हो जाएंगी, क्योंकि ये इनकी वैकेंसी है 53। ऐसी 313 ये वाली वैकेंसी किसमें से ली जाती है, ये यहां से ली जाती है। ठीक है,
ये चीज दोस्तों आपने कब काम आएगी, जब हम पोस्ट फ्रंट फिलअप करेंगे और जब हमारे पास जो है पूरा का पूरा डाटा होगा, यानी कि कैटेगरी वाइज सब कुछ होगा, तो उस टाइम जो चीजें काम आती हैं कि किस जोन में आखिर कितनी क्या कुछ वैकेंसी है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे जैसे वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि अपने फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो, ठीक है। सभी को अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लग रहा हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो और जिसने फॉलो कर लिखा दोस्तों वो लाइक का बटन जरूर दबा दें। अब दोस्तों ये वाली जो चीज है, ये मैंने आपको बताया अभी इनकम टैक्स की, ये दोस्तों जो है कन्फर्म हो चुकी है, मेरी तरफ से न्यूज कन्फर्म हो चुकी है। और एक और दोस्तों इंटरनेट सोर्स से पता लगा जीएसटी इंस्पेक्टर के 2955 जो यानी कि जो वैकेंसी 2692 है, ये वैकेंसी दोस्तों 2955 आ सकती है, ठीक है। ये अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है इसकी, वो होनी बाकी, वो भी हो जाएगी जल्दी ही। प्रिवेंटिव ऑफिसर की दोस्तों क्या है 475 वैकेंसी है, ठीक है। और आपकी टैक्स असिस्टेंट में जीएस जो 1200 है वो 1455, यानी कि ये आने की संभावना है इतनी इतनी, ठीक है। क्योंकि अभी फाइनलाइजेशन क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार वैकेंसी पहले कम थी अब बढ़ गई, जैसे दिल्ली के अंदर जैसे पहले 39 थी अब 166 हो गई, मुंबई के अंदर भी इंक्रीज हो गई। जैसे मुंबई और दिल्ली के अंदर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है फिर से वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ठीक है, फिर से यानी कि सेकेंड टाइम इंक्रीज होंगी। तो इसलिए फ्लैक्चुएशन इसके अंदर जो है आता है वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर टोटल 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी को, तो यहां पर आप देखें दोस्तों ये वाली वैकेंसी 3596 वैकेंसी, यानी कि ये इतने इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि ये तो फाइनल है, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताई दोस्तों, ये तो मैंने ऐड भी नहीं की इसके अंदर। तो 2023 के अंदर ये वैकेंसी थी दोस्तों 4000 और 2022 के अंदर दोस्तों ये वैकेंसी थी 4000, ठीक है। 4000 यानी कि 40 वैकेंसी का यहां पे डिफरेंस था बस। तो अब 2024 के अंदर इतनी हो चुकी हैं, अभी एएसओ के रिप्लाई आना बाकी दोस्तों, एएसओ सीएसएस में आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है, ठीक है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 400 के आसपास जो वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, आए चाहे कितनी ही, लेकिन दोस्तों अनुमानित है कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि वहां पर 1200-1300 वैकेंसी खाली हैं, जिसमें से 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, यानी कि 800-900 वैकेंसी डायरेक्ट खाली हैं। तो हो सकता है 400 के आसपास वैकेंसी वहां पर आ जाए। और बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीक में आपको एएसओ के रिप्लाई दिखाना मैं स्टार्ट कर दूंगा, एएसओ के रिप्लाई जो है आ जाएंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। इसलिए चिंता ना करें और जुड़े रहे अपने, और जो भी दोस्तों आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव की 120 की ये वाली जो वैकेंसी है 27+ वालों के लिए जो है ये वाली वैकेंसी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 3700 के आसपास, ठीक है, 3700 तो ये हो गई, 3700+ वैकेंसी जो है हो चुकी है जो 27+ की उम्र वाले, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों सीजीएल 2024 के अंदर जो है आ रही है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2019, 20, 21, 22, 23 इन बैच की जो ज्वाइनिंग है वो लगभग एक साथ हुई है, इसलिए वैकेंसी जो है क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक बंदे का सिलेक्शन 3 सीजीएल में हुआ है, तो वो बंदा तो एक ही है और एक ही जगह ज्वाइनिंग ले सकता है फाइनल में, तो दो वैकेंसी तो उसने खाली कर दी, इसलिए वैकेंसी जो है इंक्रीज हो रही है, और वैकेंसी दोस्तों लगातार इंक्रीज होती रहेंगी ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को दोस्तों जबरदस्त तरीके से कर दो। और एक चीज और दोस्तों मैं सोच रहा हूं, आप लोगों की राय है वो बताना फिर, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों अपने ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से, यहां पर 41 अभी के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी फॉलोअर्स अपने हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों 50 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाना चाहता हूं, जो कि सीजीएल के लिए डेडिकेटेड ग्रुप होगा, यानी कि उसके अंदर पहले टेस्ट लिया जाएगा आपसे और फिर जो है उनको जो है उसके अंदर ऐड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मतलब कभी इसके बाद इसमें और भी चीज़ें होती रहेंगी, क्या पढ़ें क्या लिखें, कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार कोई सलाह लेनी पड़ती है, कुछ भी हमारे माइंड में डाउट आता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या राय है दोस्तों, ये एक टेस्ट लेकर के आए 50 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जाए नहीं बनाया जाए, ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। और बाकी तो दोस्तों मैं आपको बता चुका ये जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में, बहुत सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, ठीक है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जोरों पर रखना, 1% भी डिमोटिवेट या किसी भी तरह की बातें मत सोचना, अब आपको रील्स देखने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा वैकेंसी जो आपकी आ रही है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।